हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकेट। और आज हम देखेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भी इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ हुई हैं, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो या वो नेवी की हो। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, वैसे भी खासकर अगर आप में से कोई सीडीएस या एफकैट इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो एनडीए हो। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टेबल बना दी है यहाँ पे। इस तरफ मैंने सारी कंट्रीज़ लिखी हैं और इधर ये आर्मी, ये एयरफोर्स और ये नेवी। इधर मैंने सबके नाम लिख रखे हैं जो भी एक्सरसाइजेस हुई हैं हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देर आर ओनली थ्री कंट्रीज़ जिनके साथ हमारी तीनों फोर्सेस की मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। उसमें यूएसए है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो चलिए पहले देखते हैं यूएसए। यूएसए के साथ हमारी आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये एक्सरसाइज होती रहती है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज को कहा जाता है रेड फ्लैग। और नेवी की जो है वो मालाबार एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज अभी रिसेंटली हुई है। और अगर मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें 2017 में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें तीन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। एक तो इंडिया हो गई, एक यूएसए हो गई और तीसरी जापान हो गई। और मालाबार एक्सरसाइज में 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था, बट ने नेक्स्ट ईयर ही मना कर दिया क्योंकि चाइना ने उस पर दबाव डाला। अगर मालाबार एक्सरसाइज इस बार की बात करें तो उसमें इंडिया की तरफ से जो एयरक्राफ्ट करियर यूज हुआ था वो INS विक्रमादित्य था। यूएसए की अगर बात करें तो उनका तो एयरक्राफ्ट करियर बहुत बड़ा है जिसका नाम है USS निमित्ज, NIMITZ। और अगर जापान की बात करें, उनके पास कोई एयरक्राफ्ट करियर है नहीं, उनके पास उनका हेलीकॉप्टर करियर था जिसका नाम है JS इजुमो। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ इसकी, इसको बोलते हैं JS इजुमो और ये एक हेलीकॉप्टर करियर है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन के साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है हमारी, उसका नाम है अजय वॉरियर। और एयरफोर्स की जो होती है इंद्रधनुष, आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो इस तरह से याद रखें आप। एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो है उसका नाम इंद्रधनुष है। और जो नेवी के साथ होती है एक्सरसाइज उसका नाम है कोंकण, तो ये याद रखें आप। और फ्रेंड, इनमें ये होता है कि यार इतनी सारी एक्सरसाइजेस याद कैसे रखेंगे। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है, न्यूज़ देखने की आदत है, उसको कंटिन्यूअसली डाल के रखें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो आपको ये चीज़ें अपने आप ही दिमाग में बैठ जाती हैं। इन जो मैंने ये टेबल बनाई है, आप भी इस तरह से ये टेबल बना लें और उसको बीच बीच में देखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन चांसेस है कि आएगा ही आएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जिसमें भी जीएस एक पोर्शन होता है। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस से पता ही है हम बहुत ज्यादा उनसे वेपन्स की डील होती है हमारी। अभी रिसेंटली हमने उनसे रफेल खरीदे हैं। तो आर्मी की जो होती है उसका नाम है शक्ति। फ्रांस के साथ जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है गरुणा। और नेवी की जो होती है उसका नाम है वरुणा। तो इन दोनों में कन्फ्यूज ना होए, गरुणा और वरुणा। अब थाईलैंड की बात आती है, अभी रिसेंटली हुई है ये एक्सरसाइज जिसको मैत्री बोलते हैं। और अगर आप फ्रिक्वेंटली न्यूज़पेपर्स देखते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कुछ टाइम पहले ही ये एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है मैत्री। मंगोलिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत जगह पूछा जा रहा है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, SSC में कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो मुझे उम्मीद है कि और भी एग्जाम्स में ये आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। नोमैडिक एलिफेंट, ये थोड़ा अलग किस्म का नाम है इसलिए आप इसको याद रखें। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है वो हमारी किसके साथ हुई है, मंगोलिया के साथ। अब रशिया की बात आती है, रशिया एक हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके साथ हमारी तीनों एक्सरसाइज होती होंगी, बट ऐसा नहीं है। रशिया के साथ हमारी सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रा। और इसको आप इस तरह से याद रखिए कि इंद्रा में IND जो है वो इंडिया के लिए हो गया और RA रशिया के लिए हो गया, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है चाइना। चाइना के साथ हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। वैसे तो हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, माइट बी, तो क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कि चाइना के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो वो है हैंड इन हैंड। अब नेपाल की बात करते हैं, तो नेपाल जो है उसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण आर्मी के साथ एक्सरसाइज होती है। नेपाल ने चाइना के साथ भी एक्सरसाइज की है कुछ टाइम पहले, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। इस एक्सरसाइज का नाम था सागर माथा जो भी आप बोले। ऐसे ही अगर और बात कर ले तो रशिया की अगर बात करें, रशिया और पाकिस्तान की भी एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री एक्सरसाइज और उसका नाम था फ्रेंडशिप 2016। तो आप ये दो चीज़ें भी याद रखें, क्या पता ये भी पूछे जाएं, क्योंकि ये जो नेपाल है और रशिया है हमारी बहुत क्लोज कंट्रीज मानी जाती हैं, लेकिन इनकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं उन कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं है, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। अगला है बांग्लादेश।
और बांग्लादेश के साथ हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रीति। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है श्रीलंका और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है मित्र शक्ति। आर्मी के साथ होती है मित्र शक्ति। आपको मैंने पहले बताया कि फ्रांस के साथ जो होती है उसका नाम शक्ति है, तो ध्यान रखें आप, श्रीलंका के साथ हमारी मित्र शक्ति होती है ना कि शक्ति। और श्रीलंका की हमारी नेवी के साथ भी एक्सरसाइज होती है उसका नाम है SLINEX, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ हमारी होती है गरुणा शक्ति, आर्मी की एक्सरसाइज है इसका नाम है गरुणा शक्ति। अब फ्रांस के साथ हमारी गरुणा एक्सरसाइज है वो होती है फ्रांस की एयरफोर्स के साथ, शक्ति जो है वो फ्रांस की आर्मी के साथ होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इन सब चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। फ्रांस के साथ आपकी आर्मी में होती है साथ शक्ति होती है और एयरफोर्स के साथ गरुड़ा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इंडोनेशिया के साथ हमारी कंबाइंड गरुणा शक्ति हो रही है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना होएं। और श्रीलंका की मित्र शक्ति है, इसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से इस चीज पे ध्यान दें, क्योंकि ये तीन जो नाम है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। और इंडोनेशिया की अगर नेवी की बात करें तो इंडोनेशियन नेवी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कॉर्पेट। अब आया यूएई। यूएई इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ के क्राउन प्रिंस आए हुए थे कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ, उनके साथ भी हमारे टाई अप अच्छे चल रहे हैं और इनकी एयरफोर्स के साथ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट ईगल। और आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि यूएई जो है वो डेजर्ट वाला ही इलाका है। अब नेक्स्ट है जापान। जापान भी एक काफी अच्छी फ्रेंडली कंट्री है हमारी, तो उनके साथ हमारी संप्रीति होती है, संप्रीति आर्मी के साथ एक्सरसाइज होती है, नेवी के साथ मालाबार आपको पता ही है। और इंडिया और जापान की एक कोस्ट गार्ड की भी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन। तो ये कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में ये होती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है मालदीव्स। मालदीव्स पता ही है आपको, इंडिया के सदर्न पार्ट में एक छोटी आइलैंड कंट्री है, इसके साथ हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इक्वेरिन, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है सेचेलस। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि सेचेलस कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, ये आपका मान लीजिए कि अफ्रीका पड़ता है और अफ्रीका के इधर मेडागास्कर पड़ता है, मेडागास्कर से थोड़ा सा ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है सेचेलस, तो एक छोटी सी कंट्री है सेचेलस। तो उसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है लेमिथिए। और अगर सेचेलस के बारे में आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी भी वही है जो इंडिया की करेंसी है, दैट इज रुपीज। नेक्स्ट है कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान के साथ ये नाम है प्रबल दोस्तक, ये होती है कजाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। नेक्स्ट है किर्गिस्तान और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है खंजर, तो आप इसको याद रखें, थोड़ा कैची टाइप का नाम है ये खंजर। ओके सो नेक्स्ट है ओमान। ओमान इंडिया के वेस्टर्न साइड में पड़ता है और ओमान के साथ हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और ईस्टर्न ब्रिज को अगर आप याद करने की बात करें तो मैं तो कुछ इस तरह से याद रखता हूँ इसको, जैसे ये इंडिया है और ओमान कुछ यहाँ पर पड़ता है और बीच में पानी है, तो ओमान के ईस्टर्न साइड में इंडिया पड़ता है, तो इस तरह से याद रखें कि बीच में सारा का सारा पानी है, तो एक ब्रिज बना हुआ है, तो ओमान इसको बोलेगा ईस्टर्न ब्रिज। ऐसे ही कुछ मतलब अपने अपने याद करने के तरीके हैं, तो मैं इस तरह से याद रखता हूँ। तो ओमान के साथ जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। और जो नेवी के साथ जो एक्सरसाइज होती है ओमान की वो है नसीम अल बहर। ओके नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी नेवी की एक एक्सरसाइज होती है जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, लेकिन इसका नाम है ऑस एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ हमारी आर्मी की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। और नेवी के साथ जो होती है उसका नाम है सिम्बेक्स, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और आगे एम्बेक्स एक्सरसाइज। ओके सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे बेस्ड था। और आप इसकी जिस तरह से मैंने ये टेबल बनाई थी इसी तरह से आप टेबल बना लें और इसको बीच बीच में आप देखते रहें तो आपको ये याद हो जाएंगे। और यही एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं, चाहे हम इस साल की बात करें चाहे हम कुछ पिछले सालों की बात करें, इसमें ऐड ऑन ही होंगे और नाम में कोई चेंज आता नहीं है इनके, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको एक बार याद हो गई तो आपके आगे काम देता रहेगा। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।